एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मीन्स इंटीग्रेशन, साइन टू एक्स है ना। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स बच्चो, माइनस साइन टू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ टू एक्स है, बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन टू एक्स है, राइट। तो साइन टू एक्स इज इक्वल टू, साइन टू एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स अपॉन माइनस वन बाय टू बोलेंगे, ये माइनस टू इधर लिया है, तो माइनस वन अपॉन टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स का, माइनस वन बाय टू इंटू कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव साइन टू एक्स है, देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू कॉस टू एक्स प्लस सी। समझ में आया क्या बच्चों ये, इज इट क्लियर? यस सर। ओके चलिए, अभी यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स है ना। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ साइन थ्री एक्स इज थ्री कॉस थ्री एक्स है बच्चों, बराबर है। दैट मीन्स वन बाय थ्री डी डी एक्स ऑफ साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स है, राइट। तो इसका क्या, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो देखिए ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ये वन बाय थ्री ये कैंसल हो जाएगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ, तो वन बाय थ्री साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस प्लस सी लेना है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री साइन थ्री एक्स प्लस सी बोलेंगे। अब यहां पर तीसरा देखिए, e रेस टू टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू टू एक्स इज इक्वल टू e रेस टू टू एक्स इंटू टू आता है, दैट मीन्स टू e रेस टू टू एक्स है, तो e रेस टू टू एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ वन बाय टू डी एक्स e रेस टू टू एक्स, वन बाय टू डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू टू एक्स इज e raised to 2x. Therefore, we can say that integration of e raised to 2x dx is equal to 1 by 2 e raised to 2x plus c. समझ में आ रहा है क्या बच्चों ये? Is it clear? चलिए next. Yes sir. हाँ तीसरा ये हो गया, अभी चौथा देखो बच्चों हाँ। एक्स प्लस बी स्क्वायर, अब ये किसका डेरिवेटिव है बोलिए बच्चों। तो देखिए हम लोग ये बोलेंगे, वी नो दैट, देखिए बच्चों क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्यू है ना, तो ये क्या आता है, थ्री इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या है, ये है, दैट मीन्स थ्री ए इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर है, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये वन अपॉन थ्री ए इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी क्यूब है, सो देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री ए एक्स
प्लस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस सी बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखिए इफ यू कम रेगुलरली बच्चों एक्स्ट्रा पीरियड के लिए तो वी विल गेट सफिशियंट टाइम, वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, इजंट इट? सो यू हैव टू मेक प्लान। तो ये देखिए साइन 2x माइनस 4e रेस टू 3x, तो यहां पर वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x, बराबर है। दैट मीन्स साइन 2x is equal to minus 1 upon 2 d dx of cos 2x, यही एक हो गया। और that means integration of sin 2x dx is equal to minus 1 upon 2 cos 2x हो जाएगा plus c 1। इसके बाद में क्या है, माइनस 4e रेस टू 3x में देखिए, बराबर है। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकालेंगे बच्चों, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है? तो ये माइनस 4 छोड़ दीजिए, डी डी एक्स ऑफ e रेस टू 3x क्या है, e रेस टू 3x इंटू 3 आएगा। That means e raise to 3x का derivative 1 by 3 d dx of e raise to 3x. That means integration of e raise to 3x dx is equal to 1 by 3 e raise to 3x. So therefore, antiderivative that is our integration of sin 2x dx minus 4 into integration of e raised to 3x dx। देखिए यहां पर ये इसका c2 कांस्टेंट बोलेंगे बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज minus 1 by 2 cos 2x plus c1 minus 4 into, ये क्या आ रहा है इसका, माइनस फोर कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 by 3 e raise to 3x plus c2, तो इसी को हम लोग माइनस 1 by 2 cos 2x minus 4 by 3 e raise to 3x c1 plus c2, दो कॉन्स्टेंट का एडिशन और एक कॉन्स्टेंट c, ऐसा बोलते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी अब ये इंस्पेक्शन मेथड हो गया, अभी फार्मूला का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन निकालते जाएंगे। अभी जैसे देखिए बच्चों, हम लोगों को, मैं आपको कैलकुलेशन करते समय आपको बताते जाऊंगा। सिक्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 1 dx, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है। तो 4 इंटू ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन है बच्चों ई रेस टू 3x, जैसे डेरिवेटिव निकाल के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करना है, ध्यान में रखिए। 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3, उसको डिवाइड करना है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव हमेशा x है, ठीक है, प्लस c करना है, दैट इज 4 अपॉन 3 e रेस टू 3x प्लस x प्लस c बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू
वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, टू में ऐड करो, एक्स क्यूब अपॉन थ्री करना है, ओके माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा प्लस सी आएगा। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन प्लस वन करना है। सी का इंटीग्रेशन आता है सी एक्स, सी इंटू वन आई है, एक्स रेस टू वन अपॉन वन, वो वन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी वन कॉन्स्टेंट लिखेंगे या सी आई करके इधर सी वन लिखा है। बच्चों किसी को दिक्कत है, देखते हैं बच्चों, आई इज इक्वल टू, आई मीन्स इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर क्या है, टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस ई रेस टू एक्स प्लस सी है, दैट इज टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x है बच्चों, ये x नहीं आएगा इधर है, e रेस टू x प्लस c आएगा। अभी टेंथ क्वेश्चन देखिए, x क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स प्लस फाइव माइनस फोर इंटू एक्स रेस टू माइनस टू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फाइव एक्स माइनस फोर इंटू एक्स रेस टू माइनस टू प्लस वन, मीन्स आई राइट माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ओके प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स, ये माइनस वन आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फोर इंटू एक्स रेस टू माइनस वन आएगा ये, तो अपॉन एक्स लिख देता प्लस सी। बच्चों इसमें का कौन सा बताना है बोलिए, कौन सा बताते हैं बोलो, 12, 13 और 14 में कौन सा बताना है, 14। देखिए बच्चों यहाँ इसको ये रूट एक्स है ना, जो यहाँ पे 13 क्वेश्चन में रूट एक्स से सबको डिवाइड कर लो, हाँ, और बाद में यू कैन कैलकुलेट या करके बताओ भाई, 13 ओके 13 क्वेश्चन में बना था, हाँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या कीजिए, एक्स कॉमन निकालीजिए बच्चों, टेक आउट एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे एक्स माइनस वन प्लस या वन कॉमन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा डी एक्स। दिस इज इक्वल टू वॉट, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा, एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स आएगा। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स
प्लस सी आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यार। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स है, तो रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये रूट एक्स आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू रूट टू मीन्स एक्स रेस टू 3/2 आएगा बच्चों। ये 1 प्लस 1/2 3/2, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेस टू 1/2 माइनस एक्स रेस टू 3/2 डी एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स रेस टू 3/2 आएगा, 1/2 प्लस 1 3/2 1/2 प्लस 1 3/2, और वो न्यूमरेटर में लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस 1/2 मीन्स व्हाट, 5/2, तो माइनस 2/5 आएगा ये एक्स रेस टू 5/2 प्लस सी आएगा। इज इट क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 बताना है क्या, बोलिए। कर लिए, ओके। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना बोले तो एक्स रेस टू 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी वैसा ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेस टू x dx। तो इसका 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3। cos का इंटीग्रेशन क्या है बोलिए, देखिए sin का डेरिवेटिव cos है, तो cos का इंटीग्रेशन sin है, ध्यान में रखिए। sin x प्लस e रेस टू x x का e रेस टू x प्लस c आएगा, 2 will get cancel, x square minus 3 sin x plus e raised to x plus c आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx, ये 2 into x raised to 3 upon 3 minus 3 into, देखिए साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव बोले तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, साइन एक्स है, देखिए बराबर है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, ध्यान में रखो। प्लस 5 इंटू इसका रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान में रखिए बच्चों, 2/3 एक्स रेस टू 3/2 रूट एक्स का हमेशा ध्यान में रखिए आप। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10 एक्स dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, sec square x plus sec x tan x बराबर है dx। तो इसका sec square डेरिवेटिव किसका है बच्चों, tan का डेरिवेटिव sec square x है, तो दिस इज tan x plus sec x tan x इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो ये sec x plus सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। व्हाट इज 19 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन
कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखेंगे, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, वन अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बोले तो साइन स्क्वायर एक्स है डीएक्स है, राइट। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स आएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एक्स है, सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डीएक्स आएगा, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, टेन एक्स आएगा माइनस एक्स प्लस सी। लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 20। टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेट टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स। तो ये टू सिक्स स्क्वायर एक्स आएगा बच्चों, माइनस थ्री वन अपॉन कॉस एक्स मीन्स सेक एक्स आएगा और ये टेन एक्स आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टू टेन एक्स माइनस थ्री सेक एक्स प्लस सी। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए 21 क्वेश्चन है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका ऑप्शन चॉइस करना है हमको। तो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है हमको, बराबर है। ये क्या आएगा बच्चों, एक्स रेस्ट वन बाय टू प्लस एक्स रेस्ट टू माइनस वन बाय टू। ये देखिए एक्स रेस्ट टू वन बाय टू है, मैंने उसको ऊपर ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू मीन्स टू अपॉन थ्री प्लस एक्स रेस टू माइनस वन बाय टू प्लस वन, तो वन बाय टू अपॉन वन बाय टू मीन्स यहाँ टू आएगा, तो दिस इज टू बाय थ्री एक्स रेस टू थ्री बाय टू प्लस टू इंटू एक्स रेस टू वन बाय टू प्लस सी आएगा, तो हमारा ये आंसर आएगा बच्चों। चलिए लेट अस टेक लास्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए बच्चों यहां क्या लिखा है, इफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स रेस टू फोर है, सच दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू निकालना है, राइट। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स रेस टू फोर डी एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x रेस टू 4, ठीक है 3x रेस टू माइनस 4 dx। ये क्या आ जाएगा बच्चों 4 इंटू एक्स क्यूब एक्स रेस टू या 3 प्लस 1 माइनस 3x रेस टू माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन प्लस सी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस ये माइनस थ्री आ रहा है बच्चों, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, यहाँ प्लस हो जाएगा थ्री इंटू
एक्स रेस टू माइनस थ्री अपॉन थ्री, ये माइनस माइनस ये प्लस ये है, दैट इज एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो लेके c की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा बच्चों, देखिए तो यहाँ पे c की वैल्यू कैसे निकालना है, f ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, तो f ऑफ टू इज इक्वल टू टू रेस टू फोर प्लस, यहाँ पे एट आएगा ना, तो जीरो इज इक्वल टू c इज इक्वल टू ये माइनस 129 अपॉन 8 आएगा, बराबर है। तो ये c की वैल्यू यहाँ रखेंगे बच्चों हम लोग, तो c की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो, x रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 129 अपॉन 8, ये देखिए फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारा। ओके बच्चों,